अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर फिफ्थ चैप्टर एंड इन फिफ्थ चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट कैलिफ हारून और रशीद, जो के सीक्वेंस में तरतीब में खिलाफत बनू अब्बास के पांचवें खलीफा हैं। और आपका जो दौरे खिलाफत है वो 170 हिजरी ता 193 हिजरी बमुताबिक 786 ता 809 ईस्वी है। और इनकी पैदाइश जो है हारून और रशीद की 765 ईस्वी बमुताबिक 148 हिजरी रे के मकाम पे हुई। आपने इनका जो दौरे खिलाफत है और इनकी जो ईयर ऑफ बर्थ है वो आपने याद रखना है। तो हारून और रशीद का अहद हुकूमत ना सिर्फ ख़ानदान अब्बासिया की हकूमत का सुनहरी ज़माना है बल्कि एशिया में मुस्लिम हकूमत का शानदार तरीन दौर भी है। ज़ाती और साफ मुल्की विकार, अवामी बहबूद, शानो शिको, वसत सल्तनत, अदलो इंसाफ की हुक्मरानी के नुक्ते नज़र से हारून का शुमार दुनिया के अजीम तरीन फरमा रवाओं में होता है। और ये तमाम तर कामरानियाँ जो इस अहद को हासिल हुईं वो दरअसल हारून और रशीद की ज़ाती अजमत और बुलंद किरदारी की बदौलत ही थीं। इस दौर का कोई हुक्मरान भी इसका हम पल्ला करार नहीं दिया जाता और इसकी सरपरस्ती और ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत इल्मो अदद, अदब, फ़नून लतीफ़ा और साइंसी अलूम में जिस कदर तरक्कियां हुई वो अब्बासी खिलाफत का नुक्ताए मेराज है। अब्बासी कुव्वत व शान का भरपूर मुजाहरा इसी दौर में हुआ और इसकी ज़ात वो कसवटी है जिस पर इस दौर की खूबियों और तरक्कियों का कियास किया जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हमने हारून और रशीद की शख्सियत और किरदार के बारे में तफसीलन हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हारून और रशीद अपने अहद की दिलकश, मशहूर कुन और नहायत जाज़िबे नज़र शख्सियत का मालिक था। अलमसूदी जो है वो लिखते हैं कि कामिलुल खलकत, हर लिहाज से मुकम्मल तख्लीक, हसीनो जमील, बुलंदो बाला, गोरा रंग, फरबा जिस्म, जिसके बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी और सर पर पटे थे, जब हज करते तो मंडवा देते। ये था जो जवान रहना और अजीम इंसान जो कि तकरीबन 23 साल की उम्र में खलीफा बना और 45 साल की उम्र में इस दारे फ़ानी से कूच कर गया। एक इंसान की हैसियत से इसकी शख्सियत मुहासन व अयूब से मुरक्कब थी, यानी कि खैर व फलाह और नेकी का पहलू बहुत ज़्यादा भारी और हावी था। अपने दिलो दिमाग की अजीम सलाहियतों को बुरुए कार लाकर इसने अब्बासी खिलाफत को वो शान बख्शी जो किसी और दौरे हुक्मरानी को नसीब ना हुई। हारून रशीद एक आला दर्जा का मुंतजिम था। इंतज़ाम सल्तनत में जिस तनदही और सूझबूझ का सबूत उसने दिया, उसकी बदौलत मुअर्रखीन ने उसे ख़ानदान अब्बासिया का आफ्ताब करार दिया है। अमूर सल्तनत चलाने के लिए हफ्ते की एक एक रात मुख्तलिफ कामों के लिए मुकर्रर थी, जिसे वो वज़रा, सुपा सालारों, मायदीन हुकूमत, फुकहा, कारियों, आबिदों और जाहिदों के साथ बसर करता और उनकी आरा और मशवरों की रोशनी में मुमलिकत के उमूर सुलझाए जाते। वो मुमलिकत के दूरो नज़दीक इलाकों का दौरा करता, रातों को भेस बदल कर गलियों बाज़ारों में घूमता और आवाम की फलाह और तरक्की और जराइम की बीखकनी में मसरूफ़ रहता। इसका उसूल यह था कि हादसे के वाकिया होने से पहले ही इसकी रोकथाम ज़्यादा बेहतर है। और इसने महकमा डाक को मुनज़्ज़म किया और उससे जासूसी का काम भी लिया। इसकी सलाहियतों का
अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका एक जासूस रूमी दरबार में 20 साल तक मुकीम रहा, लेकिन रूमी हुक्मरान इसका पता ना लगा सके। हारून रशीद बेशुमार औसाफ़े हमीदा के बावजूद मुतजाद सिफात और रुझानात का मजमुआ था। एक जानब दीनदारी और पाबंदी शरीयत अपने मेराज पर होती तो दूसरी जानब उसे मुख्तलिफ तरबिया और रंगीन मजालिस का सदर नशीं भी देखा जाता। मिजाज की तेज़ी और कल्ब की नरमी इसे अपने आबाओजदाद और वालदा से विरसा में मिली थी। गुस्सा और गज़ब की हालत में सख्त से सख्त कदम उठाने से भी दुरेग ना करता, लेकिन गलती का एहसास हो जाने पर वो सख्त नादिम होता और खौफ खुदा और दिक्कत की कैफियत गालिब आ जाती और वो पहरों आंसू बहाता और दरगुजर और उफ़ों से भी काम लेता। सजा देने की बजाय मुआफ़ करने में ज़्यादा लुत्फ महसूस करता। उसे जब कोई नसीहत करता और दोज़ख़ से डराता तो ज़ारो कितार रोने लगता। हारून रशीद अदल गस्तरी और इंसाफ परवरी में बहुत शोहरत रखता था। वो काजियों का तकर्र खुद करता, जुल्म के सद्देबाब और रियाया के हालात से ज़ाती तौर पर आगाह रहने की हर मुमकिन कोशिश करता और दाद रसी के लिए ज़ाती तवज्जो से काम लेता। उमाले हुकूमत के मजालिम और खराज की वसूली में जो नाइंसाफियाँ होती उनकी रोकथाम के लिए उसने निज़ाम अदलिया में मुनासिब तब्दीलियाँ की, चेंजेस की और काजी अबू यूसुफ को काजी उल कज़ात मुकर्रर किया। ये आपने इनका नाम याद रखना है। और उन्होंने किताबुल खिराज तहरीर की जिसमें उन्होंने दीगर मसाइल के अलावा हुकूमत के नज़म अदलो इंसाफ के क्याम के बुनियादी असूलों की वजाहत की और खलीफा को हक़ो इंसाफ की तरफ तवज्जो दिलाते हुए लिखा कि मौत इंसान की आरज़ुओं से भी ज़्यादा करीब है, इसलिए अमल में जल्दी कीजिए, मौत के बाद फिर अमल का मौका नहीं है। बादशाहों को खुदा की बारगाह में वही चीज़ पेश करना होगी जो चरवाहा अपने मालिक की खिदमत में वापस करता है। इंसाफ और अमल के तकाजे पूरे करते वक्त वो छोटे बड़े की तमीज़ ना करता। वो अली बिन ईसा जैसे अबासी उमराए हुकूमत को इस बिना पर माजूल करने से कतन ना घबराया कि वो आम लोगों पर बेजा जुल्म रवा रखता था। स्टूडेंट्स, हारून रशीद को दीन इस्लाम से गहरी वाबस्तगी थी और उसे पाबंदी मज़हब व शरीयत का हर लहजा हर वक्त ख्याल रहता। अलामा सयूती जो है वो लिखते हैं कि वो हुरमाते इस्लाम का एहतराम करता और दीन में रखना अंदाजी करने वालों का दुश्मन था। वो अपनी हुकूमत के ज़माने में जब तक जिंदा रहा 100 नफल रोज़ाना अदा करता और उसने अपने ज़माने इक्तदार में 9 हज किए माशाल्लाह। तिबरी इब्न खल्दून और अलामा सयूती ने लिखा है कि वो 1 साल जिहाद करता था और दूसरे साल ज़ियारत काबा को जाता था माशाल्लाह। दौरान सफ़र हज सैकड़ों फुकहा और अलमा उसके साथ होते। वो बड़ा गिरिया करने वाला इंसान था। जिस साल वो खुद हज के लिए ना जाता तो 300 आदमियों को अपने खर्च पर रवाना करता और वो रासिखुल अकीदा मुसलमान था। फलसफियाना मुशगाफियों को जो दीन को बिगाड़ती थीं पसंद ना करता था। इल्हाद व जिंदका से लोगों की हदायत के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इल्मुल कलाम के माहिर भेजे। अलगर्स वो एक सच्चा और दीनदार मुसलमान था। हारून रशीद अगरचे के इंतज़ाम सल्तनत में खलीफा मंसूर का पैरू था, उसको फॉलो करता था, लेकिन फयाजी और सखावत में इसके उलट था। अल्लामा इब्ने खुलदून के बकौल उससे पेशतर कोई खलीफा इससे ज़्यादा सखी जवाद और बेदरे माल को देने वाला नहीं गुजरा। उल्मा फुजला शोहरा और फ़नून के माहरीन को वो बेदरेग इनाम इकराम से नवाजता। इसके जुदो सखा के किस्से ज़ुबान ज़दे अवाम होते। इसके दौर के इल्मी और अदबी मुआशरती तरक्कियाँ अवाम की आसूदगी इसकी फयाजाना रवश की मरहून मन्नत हैं। मशहूर शायर मंसूर जो है वो
उसने इसके की जो फयाजी और सखावत थी उसकी तरफ इशारा करते हुए अपने इशार में कहा था कि जब अमसाक के बारान होता है तो हारून का रहम व करम बरसने लगता है और हर तंगी में इसका जिक्र कुशादगी कर देता है। वो बड़ा गरीब नवाज और दुखी इंसानों का ख्याल रखने वाला हुक्मरान था। अल्लामा सयूती ने तहरीर किया कि जब इसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता तो हारून कहता सल्लल्लाहु अलैहि सैयदी। इसके सामने यह हदीस पढ़ी गई कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाऊँ, फिर जिंदा हूँ और फिर कत्ल हो जाऊँ, तो शिद्दत जज्बात से हारून की चीख निकल गई। एक मौका पर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कलाम के बारे में हदीस बयान की जा रही थी तो पास बैठे हुए एक कुरैशी सरदार ने कहा ये मुलाकात कहाँ हुई थी। ये सुनकर हारून के गुस्से की कोई इंतहा ना रही और कहा कि चमड़े का फर्श और तलवार लाओ ताकि मैं जिंदगी की गर्दन मार सकूं। कमबख्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर तहान करता है और अबू मुआविया ने बड़ी मुश्किल से फिर उसकी जान बचाई। स्टूडेंट्स, अब्बासी खुलफा में हारून और रशीद जो है उसको ये शर्फ हासिल रहा कि उसने सारी ज़िंदगी कुफार के खिलाफ जिहाद में सर्फ की। वो अपनी तमाम मुद्दत खिलाफत में जिहाद की बजावरी से एक लम्हा के लिए भी काफिल ना हुआ। ईसाई रूमी सल्तनत इस वक्त आलम इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन कुवत थी और इनके खिलाफ उसने 170 हिजरी से 190 हिजरी तकरीबन 20 साल का ये अरसा बनता है तक 20 बार कामयाब जो है वहाँ पे यलगारें की और उनके गुरूर तसब कौमी को खाक में मिलाया। अगर किसी वजह से वो बनफसे नफीस फौज कशी ना कर सका तो उसने अपने मातहत सालारों की सरबराही में लश्कर रवाना किए और इसके शौके जिहाद का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो एक साल हज करता था और एक साल वो बनफसे नफीस कुफार के खिलाफ जंगों में किसी न किसी तरह शिरकत करता और ईसाई रूमियों के खिलाफ इस मुसलसल जिहाद की बदौलत इसके जारहाना अजायम मलियामेट हो गए और वो खिराज देने पर मजबूर कर दिए गए। हारून रशीद शोहरा और उदबा की सरपरस्ती में अपने जो पेश रो हुक्मरान थे उनमें एक मुमताज़ हैसियत रखता था। ना सिर्फ ये कि वो शेर शनास था यानी कि उसको खुद से भी जो है वो शेरों से मींस के शेर शनासी थी, वो जानता था कि जो शेर कहा गया है उसका मौजू क्या है या उसका जो मुआनी उसके क्या है, बल्कि वो खुद भी शेर कह लेता। इससे बाज़ पुराने शायरों के दीवान और कुलियात हिफ्स थे, अशार की फ़न्नी खूबियों और खामियों पर माहिराना तनकीद कर सकता था। 181 हिजरी में जब इसे मरवान बिन हंसा ने खलीफा की तारीफ में अपना मशहूर कसीदा सुनाया तो शाही खिलत के अलावा इसी मजलिस में इसे 5 लाख दीनार दिए। इसी तरह इसहाक मूसली को एक कसीदा कहने पर 2 लाख दीनार इनाम अता किया। इसकी ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत उलूम फ़नून और शेर व अदब को बड़ा फ़रोग हासिल हुआ और नई नई बहरें और असनाफ सुखन मर्ज वजूद में आईं। रवायती आहंग और रसायल से हट कर नज़में शेर व शायरी और अदबियात के अलावा हारून रशीद को फ़न मौसीकी से भी खूब वाकफियत हासिल थी। इब्राहिम मूसली इस दौर का मशहूर मौसीकार और मुग़न्नी शुमार किया जाता। खुद खलीफा को भी फ़न मौसीकी में बड़ी महारत हासिल थी। शोरा और अदबा की तरह वो फ़नी मौसीकी के माहिरीन की भी खूब सरपरस्ती करता और उन्हें इनाम व इकराम से नवाजता। हारून रशीद को ख़ानदान अब्बासिया में आफ्ताब ख़ानदान समझना चाहिए। इसके ज़माने में खिलाफत अब्बासिया नहायत मजबूत होकर अपने मिराज कमाल को पहुंच गई थी। ये एक हकीकत है कि हारून रशीद का दौर तारीख इस्लाम का एक नहायत शानदार बाब है। हारून रशीद की अपनी शख्सियत, इसके औसाफ़ व ख़सायल, इसकी मशहूर कुन शख्सियत,
इसके कल्ब व ज़हन की आला खसूसियात, इसकी फयाजी और खुश दिली और ज़रपाशियाँ अहद अबासी को ज़र्री बनाने में बुनियादी अहमियत रखती हैं। इसके अहद में अमन व सलामती की सूरत पहले अदवार से बहुत बेहतर थी। बागियों और साजिशी गुरोहों की हिम्मतें बहुत पस्त हो चुकी थीं। बाज़नतीनी रूमी जो हुकूमत थी उसको खराज देने की वो पाबंद थी। इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि हारूनी दौर में अब्बासी खिलाफत दुनिया इस्लाम का मरकज़ो महवर थी। खुशहाली, दौलत की फरावानी और मुल्की तरक्की के लिहाज से ये दौरे खिलाफत अब्बासिया का मिसाली दौर था। तालीम मोतालम और सियासी कमालात के लिहाज से ये दौर दुनिया भर में बुनियादी हैसियत का मालिक था। यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों के साथ इसके सफारती ताल्लुकात थे। मुख्तलिफ बरियाज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका से इनके तजारती रवाबित थे और चीज़ें फरावां और सस्ती थीं। रियाया के तमाम तबकात बमसरत और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। निज़ाम सल्तनत अदलो इंसाफ पर मबनी था। हर तरह की सनतें उरूज पर थीं। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ न थी जो मुल्क में ना पाई जाती हो। उल्मा, फुखा, फ़िक़्ह और हदीस के जो आलिम थे, उदबा और शोहरा और तबीब, मुनज्जम, तारीख व अखबार, अलगर्ज हर फ़न के आइमा जो थे वो इस दौर की ताबनाकी और शोहरत नामवरी का की बुनियादी सबब बने। और इमाम गजाली से लेकर हज़रत पीरान ने पीर शेख अब्दुल्कादिर जीलानी तक के सुलहाए उम्मत और बुजुर्गान दीन अब्बासी दौर की जीनत और पाकीज़गी का बाइस थे। दारुल खुलाफा बगदाद अपनी शानदार तहजीबी और तमदनी रवायात की बदौलत बजा तौर पर उरूसुल बलाद कहने का मुस्तहिक था। और अलगर्ज सियासत और इखलाक, नज़्म हुकूमत, अदलो इंसाफ, अमन व अमान, तरक्की व तामीर, तिजारती और सनती तरक्की और खुशहाली, अलूम व फ़नून की आबियारी और रोमियों के ख़िलाफ़ मुहिमात की बदौलत हारून और रशीद का दौर तारीख इस्लाम का ताबनाक और शानदार दौर था। और इसके अहद में मुसलमानों का सियासी उरूज व वक़ार तमाम दुनिया में फैल चुका था। बकौल सैयद अमीर अली, तारीख और तनकीद के किसी भी मियार पर जांचने के बाद हारून और रशीद का शुमार दुनिया के अजीम हुक्मरानों में होगा। साइकस जो है वो कहता है कि उसकी राय यह है कि अब्बासी दौर को देखने के बाद मुसलमानों की तहजीब, नफासत पसंदी और अमारत का अंदाज़ा होता है। और विलियम म्योर जो है उसके बकौल हारून और रशीद अब्बासी ख़ानदान का सबसे ज़्यादा काबिल हुक्मरान था।